नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आइए हम जानते हैं आधार कार्ड को लेकर अहम जानकारी। अगर आप भूल गए आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो ऐसे करें पता। अगर आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आप उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप भूल जाएं। ऐसे में अगर आप अपने आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन परेशानियों से बचने के लिए आप अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का पता मात्र 2 मिनट में लगा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बारे में, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर जानने के लिए आप सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाएं। उसके बाद वेबसाइट के डैशबोर्ड की एक कैटेगरी है, उसके बाद आप वेबसाइट के डैशबोर्ड में एक कैटेगरी है, यहाँ पर माई आधार कैटेगरी में जाएं। यहाँ जाने के बाद आपको आधार सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आपको वेरीफाइड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जाएगा। जो नया विंडो खुलेगा उसमें आपको अपना आधार नंबर और इसके नीचे के बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जब आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो आपको कैप्चा डालने के लिए कहा जाएगा। जब आप कैप्चा डाल देंगे तो वहां पे आपको एक OTP जनरेट होगा। जैसे ही OTP जनरेट होगा वैसे ही आपके स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा। अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है तो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा होगा द मोबाइल नंबर यू हैव इंटर्न ऑलरेडी वेरीफाइड विथ आवर रिकॉर्ड। इसका मतलब हुआ कि आपका मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो मैसेज पे लिखा होगा द मोबाइल नंबर यू हैड इंटर डज नॉट मैच विथ आवर रिकॉर्ड। इससे यह पता चलता है कि आपने कोई और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक कराया हुआ है। आप मोबाइल नंबर की ही तरह रजिस्टर्ड आईडी यानी कि जो ईमेल आईडी है उसको भी चेक कर सकते हैं। उसको भी आप इसी फार्मूले के साथ काम करना होगा, मतलब ईमेल आईडी को इसी तरीके से इंटर कर रजिस्टर्ड करने की जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड के फायदों के बारे में। हम आधार कार्ड के द्वारा बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सरकारी सब्सिडी से मिलने वाले लाभ के बारे में। सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आधार के साथ अपने बैंक खातों को जोड़ना जरूरी कर दिया गया है। अब आप अटल पेंशन योजना, किरोसिन सब्सिडी, स्कूल सब्सिडी, फूड सब्सिडी जैसी योजनाओं के साथ ही आधार से आप सीधा फायदा उठा सकते हैं। गैस कनेक्शन लेने में भी इसका आप कह सकते हैं सीधा उपयोग है। लोगों को नया गैस कनेक्शन लेने के लिए अपना आधार देना होगा। अगर वे अपने मौजूदा गैस कनेक्शन पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले DBTL योजना के तहत सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी पाने के लिए KYC का फॉर्म भरना होगा और उसमें आधार जो है वो बैंक अकाउंट से जोड़ना होगा। इसके बाद जो सबसे अहम उपयोग के रूप में आधार कार्ड आता है वो है पहचान पत्र के रूप में। अब आधार कार्ड सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय पहचान पत्रों में से एक बन गया है, जिसमें सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो ही नहीं बल्कि बायोमेट्रिक जानकारी जिसमें कि फिंगरप्रिंट, आयरिस इमेज, उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों की पहचान भी होती है। आधार कार्ड में QR कोड भी होता है जिससे स्कैन करके हम कार्ड में मौजूद जानकारी सही है या नहीं इसको हम आसानी से देख सकते हैं। आधार कार्ड में कार्ड धारक का आवासीय पता होता है। इस प्रकार लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया में पता प्रमाण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके साथ ही होम लोन, पर्सनल लोन आदि में भी ये पुख्ता प्रमाण के रूप में माना जाता है। इसके बाद बैंक के खाता खोलने में आधार कार्ड की अहम भूमिका होती है। आप जब बैंक में खाता खुलवाने जाएं तो सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड की मांग की जाती है। ऐसे में यह बैंक में खाता खुलवाने में काफ़ी अहम माना जाता है। तो अब तक हमने आधार कार्ड को लेकर 2 अहम जानकारियाँ जानी। एक तो कि हम अगर हमारे पास जो आधार कार्ड है उसका अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या नहीं इसे जानने के बारे में हमने जाना। उसके बाद दूसरा हमने जो जाना वो था आधार कार्ड के क्या उपयोग है हमारे जीवन में। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।